अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री चाउना मेन जी और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य के लिए कैंडिडेट, बहुत ही डायनेमिक कैंडिडेट श्री तपिर गांव जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री ओंग माई हो, एमएलए श्री पुनियो अयुंग, एमएलए श्री मधु मुथु मिठी, एमएलए श्री मोहेश्वर, एमएलए श्रीमती पुल, एमएलए श्री नामचुंग स्टेट जनरल सेक्रेटरी, एमएलए श्री सुजाना नामचुंग, एमएलए श्री इजमिरतिकहा और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस स्थान पर किसी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आया। वैसे देश के यहां कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट बचा नहीं है यहां पर कि पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए मेरा जाना न हुआ, लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य था कि मैं इस स्थान पर किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए आज अब तक नहीं आ पाया। पहली बार आप लोगों के बीच में मौजूद हूं। आप लोगों ने तालियां बजाकर और साथ ही साथ हमारे तपिर गांव जी ने अपने शब्दों के माध्यम से मेरा स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत अभिनंदन सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज यदि आपके बीच आया हूं तो पार्लियामेंट के कैंडिडेट तपिर गांव के लिए आया हूं, और इतना ही नहीं, जितने हमारे एमएलए कैंडिडेट हैं अरुणाचल प्रदेश की असेंबली के लिए, उन सबके लिए आया हूं। जहां तक तपिर गांव का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं तपिर गांव जी हमारे बहुत ही फास्ट फ्रेंड हैं, हमारे बहुत ही नजदीकी दोस्तों में है। मैं पार्टी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब से हमारा इनके साथ रिश्ता है, और संसद में मैंने देखा है कि संसद में आप सबकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाने का कोई काम करता है तो आपके तपिर गांव कर ले। उसी तपिर गांव जी के लिए आपसे वोट मांगने आया। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से पेमा खांडू जी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, अरुणाचल प्रदेश बहुत ही छोटा राज्य है लेकिन हिंदुस्तान में एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के रूप में कोई जाना जाता है तो आपके चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू जाने जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह अरुणाचल की धरती का यह करिश्मा है। अरुणाचल की धरती ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए हैं, ऐसे ऐसे बेटों को पैदा किए हैं जो कि अरुणाचल का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन कर रहे हैं। और आप लोगों से मिलकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। आप जानते हैं 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, 2014 में भी उसी मोदी जी के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव हुआ, दोनों बार क्लियर मेजॉरिटी स्पष्ट बहुमत के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई। 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने इस देश के लिए क्या किया है मैं समझता हूं यह बताने की आवश्यकता नहीं है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसको अच्छी तरह समझ रहा है, सभी को इसका एहसास है कि मोदी जी ने क्या किया। अभी अभी तपिर गांव जी ने कुछ बातें बतलाई हैं जिसको कि मोदी जी ने आम जनता के हित के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए, आम जनता की भलाई के लिए उन्होंने किए हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सारी दुनिया में मेरे बहनों भाइयों भारत का कद तेजी के साथ बढ़ा है, भारत का स्टेचर सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले भारत को दुनिया में जो सम्मान नहीं मिलता था
आज भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में चला जाए, उसको यह एहसास हो जाएगा कि भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत, भारत का सम्मान दुनिया के लोगों की नजरों में कितना बढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल फोरम पर पहले भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारे भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। गौरव से हम सभी का मस्तक ऊंचा हुआ है। हम सब इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी ऐसा व्यक्ति हमको प्रधानमंत्री के रूप में मिला है जो हमारे भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा कर रहा है। आपको इस बात की भी जानकारी होगी, 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले लगातार 10 वर्षों तक यहां कांग्रेस की सरकार थी। आप लोग तुलना कर सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने अथवा कांग्रेस की पहली की भी सरकारों ने क्या किया है और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, क्या किया है, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। आप स्वयं इस बात की तुलना कर सकते हैं। 2014 के पहले जितने गरीब भारत में थे, आपको जानकर खुशी होगी, मोदी जी ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों, कमाल किया है मोदी जी ने कि 10 वर्षों के अंदर अपने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी कैबिनेट का मिनिस्टर हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी मानी जानी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने सर्वे करने के बाद यह दावा किया है कि भारत में 25 करोड़ लोग मोदी जी के आने के बाद गरीबी से बाहर हुए। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आज के 10 वर्ष पहले आप लोग स्वयं ही महसूस करते होंगे अरुणाचल की क्या स्थिति थी, और आज महसूस करते होंगे आप कि अरुणाचल की स्थिति क्या है। दुनिया के अधिकांश देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यानी दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये कहते हैं 21st सेंचुरी इस वर्ल्ड में किसी की होने जा रही है, हमारे और आपके देश भारत की होने जा रही है। मेरे बहनों, स्वाभाविक है हम भारतवासियों का मस्तक गौरव के साथ ऊंचा हो जाता है। मैं एक घटना बतलाना चाहता हूं रक्षा मंत्री होने के नाते। इंडियन नेवी, हमारी तीन सर्विसेज हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। हमारे इंडियन नेवी के तीन ऑफिसर्स रिटायर होने के बाद कतर में वह सर्विस कर रहे थे। किसी मामले में कतर की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दे दी और भारत में यह हाहाकार मच गया। उनका कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था, लेकिन कतर की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। अब उस फांसी से बचाने का काम यह बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। भारत के रहने वाले लोग यह कहते थे, हमारे 8 भारतीय जिन्होंने कि नेवी में अपनी सेवाएं दी हैं, अब तो उनकी जिंदगी चली जाएगी, अब बचाया नहीं जा सकता क्योंकि कतर की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दी है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, कतर के प्रेसिडेंट से बात की, और बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी होगी कि कतर के प्रेसिडेंट ने हमारे 8 के 8 जो यक्ष सर्विसमैन थे, इंडियन नेवी के जो पूर्व अधिकारी जो वहां काम कर रहे थे, उनकी सारी सजा को उसने माफ कर दिया। यह है भारत का कर, यह है भारत का कर जो दुनिया में इतनी तेजी के साथ बढ़ा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आपको मालूम है ना रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है? कितने लोगों को मालूम है, जरा हाथ उठाइए। सबको मालूम, बराबर रूस की तरफ से 2 साल से यह लड़ाई चल रही है। रूस की तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं।
यूक्रेन में हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे। अब उनकी जिंदगी को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग करनी शुरू कर दी, मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को कतर से आप निकाल कर बाहर लाइए, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो अथवा न हो हमें इस बात की चिंता नहीं है, हमारे बच्चों की जिंदगी बचनी चाहिए। उनके माता पिता यह प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, हम लोगों को स्वयं लगता था यह काम असंभव है, नहीं हो सकता है, क्योंकि दो देशों के बीच की लड़ाई का मामला है, कोई झुकेगा नहीं, कैसे हम भारत के बच्चों को वहां से निकाल कर भारत ले आएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन घुमाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात कर ली, और 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे लगभग 22,500 बच्चे भारत के जो पढ़ते थे वह भारत लौट आए। यह है आज का हमारा भारत। यहां तक अरुणाचल प्रदेश का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, अरुणाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारत का यह पहला प्रदेश है, यह बाबा परशुराम की यह धरती है। और देखिए, भगवान सूर्य भी भारत में पहला कदम यदि कहीं पर रखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में रखते हैं, इतने सौभाग्यशाली आप। इसका एक स्ट्रेटजिक महत्व है, यानी रणनीति किसका महत्व है। कांग्रेस सरकार बहुत इसके पहले लंबे समय तक रही है, और मैं जानता हूं अरुणाचल की ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें पहले भी हुआ करती, बराबर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा की है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और आप लोग भी महसूस करते होंगे, पहली बार दिल से नॉर्थ ईस्ट की चिंता करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और कितना सम्मान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को दिया कि अपने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को यह कहा, यह अष्ट लक्ष्मी है, यदि इनका विकास कर दिया जाए तो यह भारत का भी मस्तक ऊंचा कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग, इनके अंदर वह ताकत है, इनके अंदर वह कुवत। साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के साथ भारत के व्यापार, पर्यटन और दूसरे रिश्ते बढ़ने चाहिए, तभी न जाकर आपका भी विकास होगा। बगल के देशों में जाकर आप अपना व्यापार करेंगे, पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेंगी, उस दृष्टि से भी नॉर्थ ईस्ट का विकास होना यह आवश्यक है। यदि मैं कहूं यह नॉर्थ ईस्ट साउथ एशिया, ईस्ट एशिया का गेटवे ऑफ इंडिया है तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आपने देखा होगा पहले बहुत सारे ऐसे नेता होते थे, कहते कुछ थे, करते कुछ थे, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के बारे में मैं कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह करते हैं, उनके वर्ड्स, उनके डीड्स, उनके कहने, उनके करने में कोई अंतर नहीं है मेरे बहनों भाई, कोई अंतर नहीं। हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें हम लोगों ने कही थी, हर एक बात को हम लोगों ने पूरा किया है। कांग्रेस का, एनसीपी का, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, वह जनता की आंखों में धूल झोंकते, सरकार बन जाती है, अपने वादों को वह भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं। हम लोगों ने कहा था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बन जाएगी तो जम्मू काश्मीर के अंदर जो धारा 370 लगी हुई है, जिसके तहत जम्मू काश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बन जाएगी, अयोध्या की धरती पर
भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आपने देखा 22 जनवरी को भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर राजमहल में आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत में राम राज्य की भी अब शुरुआत हो जाए। जो हम लोगों ने कहा सब कुछ किया, नागरिकता कानून को कहा था लागू किया। नागरिकता कानून के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, नागरिकता मिलने वाली है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जैसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लोगों में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमें इन सब चीजों से बचना है। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। लोग कहते थे यह बीजेपी वाले कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। बहनों भाइयों, कोई मां हो, कोई बहन हो, चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी पंथ की हो, किसी भी धर्म की मानने वाली हो, हम सब यह मानते हैं वह हमारी भी माँ है, वह भी हमारी भी बहन है, वह हमारी भी बेटी है। हम इस विचार में सोचते, इस तरह से सोचते, यह हम कैसे बर्दाश्त करते कर सकते हैं? कोई किसी से शादी कर ले और 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर उससे छुट्टी कर दे, यह चाहे कोई बर्दाश्त कर ले, बीजेपी वाले इसे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। बहनों भाइयों, वह ट्रिपल तलाक की व्यवस्था को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने इसी अरुणाचल प्रदेश में, इसी नॉर्थ ईस्ट में जो भी शिलान्यास किया उसका लोकार्पण भी किया। कांग्रेस के समय आपने देखा होगा ये लोग चुनाव आता था, शिलान्यास तो करते थे लेकिन कभी भी उसका लोकार्पण करने की नौबत नहीं आती थी, कभी वह प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पाता था, ऐसे हालात थे। आज बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, ऐसे कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनके कारण मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का तेजी के साथ विकास हुआ है। और आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पिछले 10 वर्षों में जितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट हुआ है, पिछले 10 वर्षों में जितनी तेजी से निवेश हुआ है, पहले इसके पहले कभी भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में जितना कि इस बार हुआ है। यह सब कांग्रेस की कल्पना से पूरी तरह से परे था। सेला टनल के बारे में आपने देखा, सेला टनल प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया और सेला टनल का उद्घाटन भी हो गया। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी भी तैयार हो गई मेरे बहनों भाई, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ सेला टनल, कांग्रेस कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहता हूं मोदी जी जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसे पूरा कर दें। और हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए की एक उन्नति योजना प्रारंभ की है। और मैं आपको बता दूं 10,000 करोड़ की जो उन्नति योजना प्रारंभ की है, 10,000 करोड़, आप यकीन रखना इस 10,000 करोड़ से आगे आपका और अधिक तेजी के साथ विकास होने वाला है। आज मैं आपसे कहकर जा रहा हूं 5 वर्ष के बाद फिर मिलूंगा बहनों भाइयों आपको, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं, यह हमारा चरित्र है। और यह 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इससे स्वाभाविक है हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और नई संभावनाएं लेकर यह निवेश आएगा, मेरा पक्का विश्वास है। अब अरुणाचल प्रदेश में 45,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम हमारी ही सरकार ने किया और इसका भी लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया। गांव की माताओं को, गांव की बहनों को, बहनें बैठी हैं, गरीब परिवारों की बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, आपके पास 1,000, 5,000, 10,000 रुपया नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारे प्रधानमंत्री का वादा है, हम इन बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे ताकि कम से कम 1,00,000 रुपए की वह मालिक बन सकें। यह हमारी कोशिश होगी। सारे यहां पर हजारों ऐसे बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से,
और सारे देश में 3 करोड़ बनाएंगे। 1 करोड़ माताएं बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, कम से कम 1 लाख रुपए की स्वामिनी वह बन चुकी हैं। बहनों भाइयों, सड़कों का कितनी तेजी के साथ निर्माण हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। दिव्यांग डैम देश में का मैं समझता हूं सबसे ऊंचा डैम बनने जा रहा है, देश का सबसे ऊंचा डैम बनने जा रहा है। अब आप देखिए, सबसे बड़ा पुल भी, सबसे बड़ा ब्रिज भी यदि कहीं पर है, बोगीबिल तो नॉर्थ ईस्ट में है, और सबसे बड़ा ब्रिज भी यदि कहीं पर बन रहा है तो अभी नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है। यानी हमारे प्रधानमंत्री इस नॉर्थ ईस्ट की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं इसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। कांग्रेस के समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, कांग्रेस ने तो मैं कहूं कि हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन उन्होंने भारत की गंवा दी है बहनों भाई, हजारों वर्ग किलोमीटर हमारे पड़ोसियों के पास चली गई। लेकिन मैं इसका किसी को दोष, मैं कोई लांछित किसी को नहीं करना चाहता, गई। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अब भारत की भूमि जाने नहीं पाएगी, कोई भी इसे हड़प नहीं सकता। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत की भूमि अब कोई हड़प नहीं सकता। कांग्रेस का काम करने का अपना तरीका था, हमने कांग्रेस की गलतियों को सुधारा और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने डेवलप किया है। सीमा के नजदीक के जो गांव होते थे, या कांग्रेस के लोग कहते थे कि अंतिम गांव, हम लोग कहते हैं कि सीमा के पास के गांव हमारे अंतिम गांव नहीं है, बल्कि भारत के पहले गांव हैं जो कि सीमा के पास रहते हैं। इसलिए हम इन गांवों का भी तेजी के साथ विकास इस समय कर रहे हैं, और हमारा मानना है जब तक इन गांवों का विकास नहीं होता है तब तक हम जिस हद तक सीमाओं की सुरक्षा करना चाहते हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ कठिनाई आएगी। इसलिए सीमा के जो हमारे गांव हैं उनको हम अपना फर्स्ट विलेज मानते हैं, पहला गांव मानते हैं, और साथ ही उससे का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं यहां के लोगों को भी, मैं यह मानता हूं अरुणाचल के रहने वाले लोग हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसलिए आप सबके प्रति हम लोगों के दिल में विशेष एक प्यार का भाव, एक सम्मान का भाव रहता है। और जब भी चीन के साथ युद्ध हुआ है आप लोगों ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है यह पूरा भारत कभी नहीं भूल सकता। अरुणाचल के मेरे बहनों भाइयों, सदैव भारत आपका ऋणी रहेगा। यह हम सबका घर है। अभी चीन ने अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम को बदलकर पोस्ट कर दिया है। बहनों भाइयों, नाम बदल देने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वह स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। हमारे यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, इस बात को हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए, कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने एक संकल्प यह भी लिया है 2047 समाप्त होते होते भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत हमारा यह नारा नहीं है, विकसित भारत हमारी यह प्रतिबद्धता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, सभी राजनीतिक पार्टियों को लंबे समय तक आपने देखा है, अब यदि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए
मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जा रही है, तो भरपूर सहयोग, भरपूर समर्थन आपका प्राप्त होना चाहिए। और अरुणाचल की जनता के लोगों पर विश्वास है, क्योंकि वास्तव में नेशनलिस्ट हैं। इस देश की रक्षा के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देने की कुवत यदि किसी के अंदर है, तो हमारे अरुणाचल के रहने वाले नौजवानों के अंदर है, बहनों भाइयों के अंदर है। आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। तपिर गांव जी आपके सांसद रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार तपिर गांव जी को फिर से पहले से कहीं अधिक मतों से विजय दिलाकर उनको भारत की संसद में भेजना। यदि आप लोगों ने मन बना लिया, जरा हाथ उठाकर तालियां बजाइए, तो मैं मान लूं कि आप लोगों ने मन बना लिया। पीछे के लोग जो बैठे हैं, अच्छा वहां भी बज रही हैं तालियां, तो मैं मान लिया। हमारे सारे MLA जो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे MLA कौन है, जरा खड़े हो जाइए, कहाँ हैं, एक बार खड़े हो जाइए जनता के सामने, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाकर आशीर्वाद आप सभी दे दें। आपसे अपील करना चाहते हैं तपिर गांव जी, एक आपसे मैं आग्रह करूंगा, चुनाव जीत जाने के बाद, हमारे सारे MLA के चुनाव जीत जाने के बाद, एक बार हमको कहीं यहां चाहे अगल बगल कहीं एक बार और बुला लेना। चुनाव जीतने के बाद यदि अगर मैं आना चाहूंगा, तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। चुनाव जीतने के बाद यदि आना चाहूंगा, तो एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए यहां पर आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।